सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेल्प रास्ता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्प रास्ता के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा और दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इलाहाबाद बैंक के मोबाइल बैंकिंग से हम कैसे किसी भी ट्रांजेक्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे करते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनेबल या डिसेबल करने की ज़रूरत क्या होती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अकाउंट से जो है कोई टिकट बुक हो या कोई दूसरी जगह यूज हो, कोई शॉपिंग हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो जो आप नहीं चाहते हैं वो चीज़ आप वहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसे करना है चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इलाहाबाद बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इलाहाबाद बैंक का ऑल मोबाइल मोबाइल बैंकिंग ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन पिन एंटर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये पिन अपना एंटर कर लिया है, एप्लीकेशन पिन। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने सबमिट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सातवें नंबर पे जो है आपका, सेवेंथ नंबर पे जो है आपके पास एक ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है अकाउंट सेटअप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं दो ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको इनेबल डिसेबल ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ सेकंड ऑप्शन पे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फ़ंड ट्रांसफ़र और ये सब डिटेल्स यहाँ पर है। और देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी आपको नहीं चाहिए डिसेबल करना हो उस पर आपको ये अनचेक कर देना है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं मिनी स्टेटमेंट जो है डिसेबल कर देता हूँ, बैलेंस इंक्वायरी डिसेबल कर देता हूँ। फिर दोस्तों सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। तो दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपको होम पर क्लिक कर देना है। होम पर क्लिक करने के बाद चलिए अब मैं अपने अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करता हूँ। बैलेंस इंक्वायरी पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देखते हैं हमारे सामने क्या एरर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं योर लास्ट ट्रांजेक्शन नॉट अलाउ, प्लीज़ इनेबल द ट्रांजेक्शन और कॉन्टेक्ट ब्रांच द फादर डिटेल्स, इस प्रकार से आ रहा है। फिर उसके बाद जो है फिर अकाउंट डिटेल्स पर मैं क्लिक करता हूँ और मिनी स्टेटमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट पर मैंने क्लिक किया, फिर हमारे सामने वही ऑप्शंस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपको अगर इनेबल करना है तो फिर आपको वही सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना है, अकाउंट सेटअप पर क्लिक करना है, इनेबल डिसेबल ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। और आपको जो भी डिसेबल करना हो उसे अनचेक कर दीजिए। जैसे आपको मान लीजिए कोई शॉपिंग नहीं चाहिए तो आप जो है शॉपिंग पर डिसेबल कर सकते हैं। तो आपका जो है शॉपिंग कोई नहीं कर पाएगा आपके अकाउंट से या डेबिट कार्ड से नहीं कर पाएगा। और अगर फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा कोई भी। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एयरलाइन टिकट, मूवी रिजर्वेशन, मोबाइल रिचार्ज, ये सब भी आप जो है कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल अपने अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप किसी भी ट्रांजेक्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इलाहाबाद मोबाइल बैंकिंग से किसी भी ट्रांजेक्शन को इनेबल या डिसेबल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं।